नमस्कार बच्चों, आज हम मेंटल मैथ्स बुक से चैप्टर 10 मनी करेंगे। बच्चों, ये आपको कुछ सिंबल्स दिख रहे हैं। ये हमारा एक कॉइन है और ये बच्चों हमारा सिंबल है किसका? रुपीस का। कमेंट करके जरूर बताएं ये सिंबल हमने उपयोग में किस वर्ष से शुरू किया। आपको याद होगा बच्चों, पहले हम कुछ इस तरीके से लिखते थे, रुपीस 25, रुपीस 100। लेकिन अब हम रुपीस 1000, रुपीस 10, रुपीस 50 इस तरीके से इंडियन करेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों, आप सभी बताइए मुझे, अभी के समय में कौन कौन से सिक्के और नोट चलन में हैं? मेरे साथ सभी लिखेंगे उनको, रुपीज 1, इसके बाद बच्चों रुपीज 2, रुपीज 5, रुपीज 10। क्या 20 का सिक्का भी है बच्चों? 20 का कॉइन भी। बच्चों, ये तो हो गए हमारे कॉइन्स। अब हम नोट्स की बात करते हैं, तो आप देखिए, आपको रुपीज 10 का नोट देखने को मिलता है, 20 का, 50, देन 100, देन 200, उसके बाद बच्चों 500 और 2000। बच्चों, इनके अलावा अगर आपने करेंसी नोट्स देखे हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है बच्चों, आप कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो उसका जो प्राइस होता है वो होता है 12 पॉइंट इस तरीके से कुछ लिखा होता है। तो अब ये 50 क्या लिखा है बच्चों, किसी को पता है तो आप जरूर बताएं। वेरी गुड, कुछ बच्चों ने जवाब दिया है। क्या लिखा है बच्चों? ये होता है 12 रुपए 50 पैसे। तो देखिए, रुपीज और पैसे दोनों सेम चीज तो नहीं है, कुछ तो डिफरेंस होगा। बच्चों, इसी डिफरेंस को समझने के लिए हमें इस चैप्टर में ध्यान से कुछ बातों को समझना होगा, और वो क्या है बच्चों? पॉइंट्स टू रिमेंबर। आइए ऐसी ही कुछ रोचक बातें इस चैप्टर में पढ़ते हैं और समझते हैं। बच्चों, मनी को हम क्या बोलते हैं? करेंसी भी बोलते हैं, और इंडियन करेंसी जो होती है उसको अभी हमने जाना, किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? ये वाले रुपी सिंबल से। अब 1 रुपया, बच्चों ध्यान से देखना, 1 रुपया कितने पैसे के बराबर होता है? 100 पैसे के। इसको याद रखना बच्चों, ठीक है। अब क्या किया, 1 पैसे की वैल्यू निकालनी हो तो 100 क्या चला गया इधर लेफ्ट साइड में, तो 1/100। या आपको पता है, अगर नीचे 2 जीरो है तो ऊपर काउंट कीजिए राइट साइड से, और 2 अक्षरों के बाद पॉइंट लगा दीजिए। इजी है। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है, डेसिमल नोटेशन फॉर मनी। करिए बच्चों, एनी गिवन अमाउंट ऑफ मनी कैन बी रिटर्न इन द डेसिमल फॉर्म। कैसे? ये देखो, 78 रुपीज दिया गया था, तो इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, इसके पीछे पॉइंट लगा होता है। कोई भी हम नंबर लिखते हैं, जैसे 50 मैंने लिखा था, तो इसको हम डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 50.00। ऐसे ही बच्चों 10.00, ठीक है, समझ गए सारे बच्चे? चलिए आगे देखिए, रुपीज आर रिटर्न एज ए होल नंबर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ डेसिमल एंड
पैसे आर रिटन एज ए टू डिजिट नंबर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल। तो देखिए 78 रुपीज एंड 55 पैसे को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, 78.05। ध्यान रखना ये 5 पैसे है, यहीं पर साथ में दिया गया है 50 पैसे, 78.50। सिंपल है बच्चों। नेक्स्ट देखिए सिंपल ट्रिक्स ऑफ कन्वर्जन क्या है। अगर आपको पैसों को रुपीज में कन्वर्ट करना है तो सिंपली कुछ नहीं करना, आपने राइट हैंड साइड से आपने डिजिट्स काउंट करनी है और दो डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है। ये होता कैसे है बच्चों, अभी हमने देखा एक पैसा 1 पैसे इज इक्वल टू होता है 1/100 रुपीज के, ठीक है, या 0.01, ठीक है। तो यहीं से बच्चों हमने इसको शॉर्ट तरीका निकाल लिया, ट्रिक जिसको हम बोल रहे हैं। क्या किया, जो भी संख्या दी हो पैसे में उसको रुपीज में कन्वर्ट करना हो, जैसे 60 पैसे को क्या किया, तो काउंट कीजिए राइट हैंड साइड से 1 एंड 2, तो यहां पर आप डेसिमल लगा देंगे। अच्छा आप करके बताइए अगर आपको समझ आ गया तो। 25 को पैसे हैं इसको रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, 1, 2 और ये डेसिमल, तो डेसिमल 2 एंड 5, ये क्या हो जाएगा बच्चे, इतने रुपीज। शाबाश, चलिए अब आगे देखते हैं। अब बच्चों उल्टा करना हो तो, अभी तक हम कर रहे थे पैसे को रुपीज में, अब देखिए रुपीज को पैसे में करना हो तो क्या करेंगे, सिंपल है बच्चों, पीछे आपने 100 से उसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो देखिए, या इसको हम कह सकते हैं जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है जितने जीरोज होते हैं डेसिमल उतने ही राइट में जंप करता है। तो देखिए दोनों में से जो भी तरीका आपको ठीक लगे उसको अपना लीजिए। 75 रुपीज है तो पैसे कितने हो जाएंगे, 7500। अब देखिए 95.25 है, इसको पैसे में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना है, हमने डेसिमल को राइट में जंप कराइए, कितना, 2, 1, 2, तो 9525 पैसे हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों यहां तक, चले आगे। चलिए अब आगे देखिए बच्चों, हाउ मैनी 50 पैसे कैन 9525 पैसे हैव, या सिंपली हम समझे बच्चों 50 पैसे के कितने सिक्के मिलकर 9525 पैसे बनाएंगे, या इसको हम रुपीज में लिखें तो आपको पता है क्या करेंगे, पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए राइट से काउंट कीजिए 1 एंड 2 और यहां पर पॉइंट लगा दीजिए 9525 रुपीज। समझ आया बच्चों, क्या करना है, हमने जितने भी पैसे दिए गए होते हैं उसको डिवाइड कर देना है सिक्कों की यूनिट से। तो यहां पे देखिए 50 पैसे कॉइन्स पूछे थे इसलिए हमने 50 से डिवाइड किया, अगर 10 पैसे पूछा होता तो 10 से डिवाइड करते, ठीक है बच्चों। अब एक तरीका और भी है, वो क्या है बच्चों, देखिए 95 होल नंबर रुपीज है तो आप क्या करिए, इसको इस तरीके से लिखिए 50 पैसे इंटू कितने सिक्के कि हमें 95 रुपीज मिल जाए। क्यों, ये देखिए जो पैसे हैं वो 50 से छोटे हैं तो ये तो बनेगा नहीं, पूरा नंबर तो यही बनेगा, अगर यहां पर 50 होता तो क्या होता बच्चों, एक सिक्का यहां भी चाहिए होता, इसीलिए अभी हम सिर्फ 95 को उठा रहे हैं, रुपीज 95, ठीक है। अब आप जानते हैं या तो बच्चों आप दोनों को पैसे में कन्वर्ट कीजिए या रुपीज में, अगर इसको पैसे में करते हैं तो ये 9500 हो जाएगा, इसको रुपीज में रखते हैं तो इसको रुपीज में करना होगा, तो बच्चों ये हो गया हाफ रुपीज, है ना, डिवाइड कर दिया 100 से इंटू वो नंबर क्वेश्चन मार्क जितने सिक्के चाहिए इज इक्वल टू 95 और नंबर ऑफ कॉइन्स की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 95 इंटू 2, आप देख रहे हैं क्या मिला आपको, 190 कॉइन्स ऑफ 50 पैसे। बच्चों अब हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं, अब तक पढ़ी गई बातों को याद रखते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। 1 to 4 में करना है बच्चों हमें कन्वर्ट इंटू डेसिमल फॉर्म, तो आप सभी को याद है करिए,
240 होल नंबर है, 0.50 पैसे। 780 रुपीज़ बच्चों, तो आपको पता है होल नंबर एज ए सीरीज, उसके बाद डेसिमल लगाकर हम 0.20 लगाएंगे। 719.10, 75.75। बच्चों ये सिंबल जरूर यूज इस्तेमाल करें, बिना यूनिट के नंबर की हम पहचान पूरी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब सभी को पता है 528 में देखिए, पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड करते थे, या सिंपली हमारी ट्रिक जो आपको याद होगी, राइट से काउंट कीजिए दो अंक और उससे बाद डेसिमल लगा दीजिए, तो काउंट कीजिए 1, 2, तो हमारा आ जाएगा 0.70 रुपीस। ऐसे ही बच्चों ये आएगा रुपीस 1.80, ये आएगा बच्चों 0.05, और ये आएगा बच्चों 7.45। आइए अब 9 से 13 क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्ट द गिवन रुपीस इनटू पैसे। रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है क्या करते थे, 100 से मल्टीप्लाई, तो कर दीजिए 7900 पैसे, 10675 पैसे। क्या किया बच्चों, जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है डेसिमल दो राइट में जंप कर देता है, तो एक्चुअल में वो डेसिमल यहां आ गया है, ठीक है। अगली बार कर लेंगे 13580 पैसे। अब बच्चों देखिए 120 और 5 पैसे अलग से दिए, तो पैसे को तो कन्वर्ट करेंगे नहीं, किसको करना हमने सिर्फ रुपीस को, तो कीजिए तो ये हो जाएगा 120 12000 प्लस 5, ये हो जाएगा बच्चों आपका 12005 पैसे। 11.50 बच्चों, 50 तो पैसे पहले ही है तो उसको तो करेंगे नहीं, 11 को करिए, तो ये हो जाएगा बच्चों 1150 पैसे। अब बच्चों हमारी वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, तो फटाफट से देखिए, हाउ मैनी 20 पैसे कॉइन्स आर देयर इन 12 रुपीज। बच्चों याद होगा ना, एक हमने किया था देखिए 50 पैसे कॉइन वाला किया था, ऐसे ही पूछ रहे हैं 12 पैसे कॉइन्स आर देयर इन, या 1200 पैसे या 12 रुपीज। तो सिंपली क्या करना है आपने, इसको भी आप पहले किस में कन्वर्ट कर लीजिए, रुपीज में करिए। 20 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट किया तो 20/100 ये कितना आ गया बच्चों, फ्रैक्शन में रखिएगा 1/5। या अगर आप इसको पॉइंट में करते तो क्या होगा बच्चों, हमारी पूरी वैल्यू आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो अब देखिए 1/5 आया बच्चों रुपीज, तो अब जो 5 आया बच्चों ये कहां चला जाएगा, ऊपर, कैसे 1/5 20 रुपए के सिक्के हैं बच्चों, ये रुपीज में कन्वर्ट करने के बाद कितने सिक्के 12 रुपए बना देंगे, तो 5 ऊपर चला जाएगा, कितने सिक्के बना देंगे बच्चों 60 सिक्के, कितने 60 सिक्के। ऐसे बच्चों आप कर लेंगे 25 वाला 50 का और 10 का, तो देखिए क्या कह रहा है, 25 पैसे के कितने सिक्के 30 रुपए बना देंगे। सिंपली बच्चों इसको रुपीज में कन्वर्ट करेंगे, 1/4 आएगा, इधर चला जाएगा, यह आ जाएगा 120 कॉइन्स। 50 पैसे के कितने सिक्के 50.50 रुपए, तो बच्चों देखो एक सिक्का ये भी है, तो इस सिक्के को अलग रखेंगे। अब 50 रुपए को पहले देखिए, तो 50 100 और एक सिक्का ये है 50 पैसे वाला, तो 100 + 1 = 101। ऐसे बच्चों देखिए 10 पैसे के कितने सिक्के 15 आप कर लेंगे, कितना आएगा सिंपली 150 सिक्के, ठीक है। 10 रुपए के नोट 568 रुपए में 10 रुपए के कितने नोट हो सकते हैं, तो आपको पता है बच्चों डिवाइड करना होता है, सिंपली आप क्या कर सकते हैं 568 को डिवाइड कर दीजिए 10 से, या आप देखिए 10-10 रुपए जोड़ते हुए हम 500 तक कब पहुंचेंगे, 560 हो जाएंगे, कितने से, अगर 56 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन क्या 57 से करेंगे तो इससे ज्यादा वैल्यू आएगी, कम आएगी, 568 से ज्यादा आएगी, कितने बच्चों 570, तो इसलिए उससे एक
हम कम रखेंगे वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगा 56। तो 10 रुपए के कितने नोट बच्चों, 56 नोट हमें चाहिए, जो हमें पूरी तो नहीं, 8, उसमें हमारे कितने पैसे बच गए बच्चों, 8 रुपए बच जाएंगे। ठीक है, 19 देखिए, सेम इसी तरीके से 20 को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि हमें इसके जस्ट पहले वाला नंबर मिल जाए, तो बच्चों किससे करेंगे, फोर्टी नाइन नोट्स। कैसे बच्चों, 50 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1000 रुपये हो जाएगा, जो कि इससे ज्यादा है, तो उससे पहले वाला नंबर क्या होगा हमारा, 49 नोट्स हमें चाहिए। ऐसे बच्चों 50 रुपीज को कितने नोट से हमें रुपीज 1755 रुपीज मिल जाएंगे, तो कुछ नहीं है बच्चों, अब सिंपली इसको डिवाइड कर दीजिए 1755 को 50 से, और आपको आंसर मिल जाएगा आपका 35 नोट्स। करके देखिए, से करेंगे तो बच्चों कितने पे जाएगा, 3 पे, ये आ गया आपको 150। तो आंसर आ गया बच्चों हमारा कितना, 35 नोट्स। ठीक है, ऐसे बच्चों आप 2 रुपीज कॉइन सिंपली डिवाइड कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा 100 रुपीज नोट। बच्चों सिंपल आप डिवाइड करेंगे, या आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं, जैसे अभी हम करते आए हैं कि 100 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट इससे पहले वाला आ जाए, तो किससे करेंगे बच्चों, 60 से, 60 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 21 को जल्दी से 2 रुपीज से डिवाइड कर दीजिए 539 को, और आंसर मुझे कमेंट में जल्दी बताएं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए बच्चों, कितने 200 के नोट 1530 रुपये बना देंगे। बच्चों डिवाइड करते जाइए, आपको आंसर मिलता जाएगा। ठीक है, 500 से डिवाइड कर दीजिए इसको। ऐसे 2000 के कितने नोट बच्चों, या दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते हैं जो मैं अभी करते आए हैं, कि आप चेक कीजिए 2000 के कितने नोट इससे जस्ट पहले वाला नंबर आपको दे रहे हैं, तो वो भी आपका आंसर हो जाएगा। जैसे 2000 को देखिए बच्चों, 2 से करेंगे तो 4000, 3 से 6, 4 से 8, 5 से 11 तो 10। जैसे ही भाव चला जाए आप रुक जाओ, और उससे पहले वाला ही आपका आंसर है, तो कितने नोट बच्चों, 4 नोट्स। अब 50 पैसे के कितने सिक्के 199 रुपये बना देंगे। सिंपल है बच्चों, पैसे को रुपीज में कन्वर्ट कीजिए 1/2, और 199 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आया बच्चों, 199 इनटू कर देंगे बच्चों 398। ठीक है, हाउ मेनी 5 रुपीज कॉइन कैन बी देयर इन 799। सिंपली डिवाइड कर दीजिए 799 को किससे, 5 से। बच्चों अब 28 से 30 क्वेश्चंस देखिए, थोड़े से क्लियर प्रिंट नहीं है इनका, एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, बाकी जिसकी बुक में क्लियर है वो कर लेंगे। ठीक है, क्या करना है, 20, और ये अंदर दिए गए हैं बच्चों आपको रुपीज या पैसे, तो 20 इंटू 2 रुपये प्लस 7 इंटू 50 पैसे प्लस 18 इंटू 25 पैसे, तो पहले तो सभी को रुपीज में कन्वर्ट कर लेंगे, तो बच्चों ये हो जाएगा 20 इंटू 2 रुपीज, तो रुपीज एज इट इज रहेगा 7 इंटू 1/2। ठीक है, 50 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट कर दिया, ऐसे ही 18 को 1/4। अब इसको सोल्व कर लीजिए बच्चों, तो आपको क्या आंसर मिलेगा, आपके टोटल अमाउंट मिले, करिए बच्चों सोल्व, 2 9 18, 2 2 4। आपको पता है एडिशन करने के लिए क्या होना चाहिए, आपका जो डिनोमिनेटर है वो सेम रहना चाहिए, तो नीचे यहाँ पे 1 है, तो इसको 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, लिख दिया बच्चों। तो आपको पता है जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो न्यूमिनेटर डायरेक्ट ऐड होते हैं, तो 80 प्लस 7 प्लस 9, ये आ गया बच्चों आपका 96 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 48 रुपीज, ये आपका टोटल अमाउंट आ गया इन सबको ऐड करके। तो
तो ध्यान क्या रखना है, जो यूनिट्स होंगी या तो वो रुपीस में हो सभी और पैसे में, ठीक है। चलिए अब 29 और 30 बच्चों थोड़ा सा प्रिंट इनका क्लियर नहीं है। बच्चों आपने जिसकी बुक में 29 और 30 क्वेश्चन क्लियर प्रिंट नहीं है, उन्होंने ये क्वेश्चंस करने हैं। 2 सर्कल के अंदर है रुपीज 5 प्लस 8 सर्कल के अंदर 50 पैसे प्लस 4 सर्कल के अंदर 25 पैसे, और 30th क्वेश्चन है बच्चों, आप सभी देख पा रहे हैं। क्वेश्चंस को भी करके कमेंट में मुझे आंसर जरूर बताएं। आइए अब आगे देखते हैं। 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ए नोटबुक की कीमत है 25.5 या 50 रुपये और पेन की कीमत है 18 रुपये, तो टोटल अमाउंट बताइए। क्या कह रहा है, व्हाट अमाउंट डज द नोटबुक कॉस्ट मोर देन द पेन, तो किताब की पेन से कितने रुपए ज्यादा कीमत है। तो सिंपल बच्चों आपने माइनस कर देना है, 25.50 माइनस कर दीजिए कितना, 18.00। बच्चों आपको क्या आंसर मिल जाएगा, 7.5 रुपए। सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, गौरव रिसीव्ड 510 रुपए वेरेज दीप्ति रिसीव्ड 605.50 रुपए फ्रॉम देयर फादर, हाउ मच मोर मनी वाज रिसीव्ड बाय दीप्ति एज कंपेयर टू गौरव। तो बच्चों 605.50 से माइनस करना है आपने कितना, 510.00 कर दीजिए माइनस, क्या आ गया आपको आंसर, 95.50। आकाश बोट 2 चॉकलेट्स ईच कॉस्टिंग 65 रुपए, ही गेव 200 टू द शॉपकीपर। आप चॉकलेट खरीदने जाते हो और आप 2 चॉकलेट खरीदते हो जिसकी कीमत, एक की कीमत कितनी है बच्चों, 65, तो 2 की कितनी हो गई, 130, आपने दिए 200 रुपए तो कितने आपको वापस मिलेंगे, 70 रुपीज। कॉस्ट ऑफ ए टॉय इज 45.50, 20 सच टॉयज की क्या कीमत होगी, कुछ नहीं बच्चों, 45.50 इंटू 20 कर दीजिए आपको आंसर मिल जाएगा कितना बच्चों, 910 रुपीज कीमत होगी, कितने, 20 सच टॉयज की। इफ अ टेबल लैम्प कॉस्ट कितना, 215.50, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 2 सच लैम्प। तो कुछ नहीं बच्चों, इतना ही और ऐड कर दीजिए, करिए 215.50 में 215.50 और ऐड कर दीजिए, या इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो बच्चों 50 पैसे और प्लस 50 पैसे 1 रुपया बन जाएगा, और 215 और 215 प्लस 1 431 रुपये। आगे देखिए, राखी परचेज कैंडल्स 465.50 पैसे, बलून्स फॉर 15 रुपीज 50 पैसे, एक कैप फॉर 12 रुपीज, तीनों को ऐड करना है बच्चों, ध्यान ही रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट की वैल्यू लिखनी है, और 50 पैसे और 50 पैसे 1 रुपया बन जाएगा, करके जल्दी से आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। छवि है 200 रुपीज, छवि के पास 200 रुपये, 55 रुपये का उसने एक खिलौना खरीद लिया, 25.5 रुपये का उसने एक नोटबुक खरीद लिया, और 22.5 रुपए का एक ग्रीटिंग कार्ड खरीद लिया। तो कुछ नहीं है बच्चों, ये पैसा उसने खर्च किया, ये उसके पास था, तो खर्च करने के बाद कितना बचेगा, 200 से इनको जोड़ें और माइनस कर दें, तो करिए 200 से माइनस करना है, जोड़िए कितना हो जाएगा, 22.5 और 25.5 को जोड़िए, ये हो गया बच्चों 50 और 50 पैसे 1 रुपया हो जाएगा, 25 और 1 26 और 22 48 और 55 103, यह आ गया बच्चों आपका 97 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राहुल बोटे पेंसिल 5.5 रुपए की एक पेंसिल, एक शार्पनर 7 रुपए का और एक स्केल 4.75 रुपए का, हाउ मच मनी डिड राहुल हैज टू पे, ऐड कर दीजिए तीनों को, सिंपल है बच्चों, आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। बच्चों जो क्वेश्चंस मैं छोड़ रहा हूं वो इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि उस तरीके के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं पहले, ठीक है, तो आपने जरूर वो क्वेश्चंस करने हैं। 39 देखिए बच्चों, मनिंदर परचेज पिज्जा
पेस फॉर 25, ब्रेड फॉर 21.75 एंड बिस्किट्स फॉर 12। शी गेव ए 100 रुपी नोट। 100 में से ये सबको जोड़ के आप माइनस कर दीजिए और आंसर बताएं मुझे क्या आएगा। तो ये आ जाएगा आपका 41.25 रुपीज। आगे देखिए, हाउ मेनी रुपीज डज जूली हैव इफ शी हैज 15 कॉइन्स ऑफ 50 पैसे। जो 15 × 1/2 7.5 रुपए है। द कॉस्ट ऑफ ए मग इज 15। हाउ मेनी मग्स कैन बी बोट फॉर 315। 315 को 15 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर बताइए क्या आएगा बच्चों जल्दी से। हाउ मेनी रुपीज डज मोहन हैव इफ ही हैज 25 कॉइन्स ऑफ रुपीज 5। कितने रुपीज है? 25 × 5, 125 रुपए। तो बच्चों यहाँ पे आएगा आपका 125 रुपए। 315 को 15 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आएगा आपका 21 मग। और हाउ मेनी रुपीज डज जूली हैव, 15 × ये आपको बताई दिया था मैंने, 7.5। बच्चों 43 क्वेश्चन देखिए। द कॉस्ट ऑफ ए बैग इज 75, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 3 सच बैग। तो 75 × 3 करके आंसर बताइए। कॉस्ट ऑफ ए काइट इज ₹8, हाउ मेनी काइट्स कैन बी बोट। कुछ नहीं है बच्चों, 152 को 8 से डिवाइड करके आंसर बताइए। गरिमा रिसीव्ड 500 एज हर पॉकेट मनी इफ शी स्पेंड्स 288, हाउ मच मनी डिड शी हैव। 500 से 288 को माइनस कर देंगे, कितने बचेंगे वो आपका आंसर हो जाएगा, 500 − 288। करिए बच्चों जल्दी से। कॉस्ट ऑफ 30 टॉफीज इज 90। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, 20 टॉफीज की कॉस्ट बतानी, तो पहले एक की निकालिए। तो बच्चों एक टॉफी की हो जाएगी 90/30। अब 20 की बताने तो × 20, ये आ गया बच्चों आपका 60 रुपीज। शिवी हैज 20 नोट्स ऑफ 500, हाउ मच मनी डिड शी पोजेस। तो कितना बच्चों, 20 × 500 कर दीजिए। कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज 15.75। एक की कीमत दी गई है, 4 की निकालनी है, मल्टीप्लाई कर दो फटाफट से, 15 × 15.75 × 4। कॉस्ट ऑफ 20 पेन्स इज 120। तो 15 पेन की कीमत, बच्चों सेम क्वेश्चन है जैसा अभी हमने टॉफी वाला किया था 46। पहले एक की निकालेंगे कीमत, फिर 15 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 5 डजन बनाना की कीमत 250 रुपये है, तो 1.5 डजन की बतानी है। तो 1 डजन की निकाल लो बच्चों, पहले कितनी आएगी, 250 / 5, और अब 1.5 यानी 3/2 डजन, 2×1 = 2+1, 3/2 डजन की निकालनी है। तो बच्चों हो जाएगा 250/5 × 3/2, कर दीजिए बच्चों, और 75 आपको आंसर मिल जाएगा। जिसका भी नहीं आ रहा वो दोबारा से अपनी कैलकुलेशन चेक करें। बच्चों यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, मिलेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।